मैं भाभी हाँ मेरे लिए कुछ कीजिए ना। केरी बेन को आए अभी एक ही दिन हुआ है, अभी आए हुए मेहमान से इस तरह की बात करना जरा ठीक नहीं है। हमारे सीनियर सिटीजन ग्रुप वालों ने अचानक माताजी के दर्शन के लिए अंबाजी जाने का प्रोग्राम तय किया है, तो मैं भी जा रहा हूँ। मुंबई में तो अच्छे चनिया चोली मिलते नहीं है, तो क्यों ना कल हम जाके चनिया चोली लेके आए। किधर जाके लेके आए? अहमदाबाद। तो जाओ, सपने में जाके लेके आओ। जहाँ अभी धर्म का पतन होता है। सुनिए। हाँ कहिए। आरती। हाँ क्यों नहीं। सुनिए। जी बोलिए। आज नवरात्रि का पहला दिन है। अरे अच्छा हुआ श्रीमती जी कि आपने बता दिया, वरना मुझे तो पता ही नहीं चलता कि आज नवरात्रि का पहला दिन है। अच्छा अच्छा चलिए छोड़िए, ये बताइए कि क्या तैयारियां हैं नवरात्रि की। हम सारी महिलाएं नवरात्रि के लिए शॉपिंग करने जाने वाली हैं। चनिया चोली, बांधनी की साड़ी, जंग ज्वेलरी। लेकिन ऐसा लगता नहीं अंजलि कि तुम थोड़ा सा लेट हो गई? आज ही नवरात्रि शुरू और आज ही शॉपिंग। अरे बाबा कल रात को ही तय हुआ। चलिए खरीदिए। अच्छा किया ना? हाँ बिल्कुल। अरे भाई नवरात्रि में हम लोग ये नहीं करेंगे तो कब करेंगे? जनता बिल्कुल सारी महंगाई, टेंशन, चिंताएं भूल के मस्त एकदम। और नेता और भी खुश कि जनता त्योहारों में बिजी है। जनता सारी समस्याएं भूल के त्योहार मनाती है, और जैसे ही समस्याओं की तरफ ध्यान जाता है कि दूसरा त्योहार आ जाता है। ये सारी बातें डिटेल के साथ आर्टिकल में लिख दीजिएगा, ठीक है? हाँ एक मिनट एक मिनट एक मिनट। हेलो जी जी नमस्ते, कैसी आप? हाँ यही है ना अंजलि, बात कराता हूँ एक मिनट। लता आंटी। हेलो। हाँ लता आंटी कैसे हो आप? हाँ ओ नो, आप चिंता मत कीजिए आंटी, मैं पहुंच जाऊंगी। अरे इसमें तकलीफ की कोई बात नहीं है, ये तो मेरा फर्ज बनता है। ठीक है आ जाऊंगी। क्या हो गया लता आंटी को? लता आंटी की तबीयत खराब हो गई है, उन्होंने शाम को 4 बजे डॉक्टर की अपॉइंटमेंट ली है, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं उनके साथ चल सकती हूँ कि नहीं। ज्यादा कुछ सीरियस तो नहीं है ना? नहीं नहीं, पर मैंने जाने के लिए हाँ कह दी। अब तुम्हारी शॉपिंग का क्या होगा चनिया चोली? अरे बाप रे ये तो भूल ही गई, क्या करूँ? अरे डॉक्टर के 4 बजे जाना है ना, तो शॉपिंग के लिए 11-12 बजे चली जाओ। हाँ ये बात भी ठीक है, पर मुझे सबसे बात करनी पड़ेगी। ओके। हेलो बापूजी, आप पहुंच गए अंबाजी? अच्छा रास्ते में कोई तकलीफ तो नहीं पड़ी? अच्छा अरे 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 क्या हुआ? बस पंचर हो गई थी। फिर बापूजी पंचर बराबर हो गया ना? हाँ क्या? हाँ वो भी है, रिपेयर हुआ तभी तो आप अंबाजी पहुंचे बराबर। एक मिनट बाबूजी, यार टप्पू बात करना चाहता है। हेलो दादाजी, आप कैसे हो? दादाजी आप जल्दी आ जाइए ना, आपके बिना मजा नहीं आता। नहीं अभी तक तो नहीं डांटा। ओके दादाजी बाय, जय जिनेंद्र। कट कर दिया। अरे दया मैं जा रहा हूँ दुकान। चलो टप्पू बेटा, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। अरे सुनिए, मैं क्या कह रही हूँ कि आज हम लोग चनिया चोली लेने के लिए जाने वाले हैं, तो आपके लिए भी लेकर आऊँ चनिया चोली? क्या मम्मी तुम भी? अरे नहीं चनिया चोली नहीं, नई चोइनी और केडियो। मेहरबानी करके मेरे लिए कुछ मत लाना, पिछले साल तू लाई थी वो इतना टाइट था कि वो मुझे डांडिया ऐसा खेलना पड़ा था, ऐसा वो रोबोट की तरह ऐसा ऐसा ऐसा। कभी मुझे कैसे पता नहीं चला? अरे तुझे कैसे पता चलेगा दया, तू तो जैसे ही म्यूजिक शुरू हुआ तो वो तीर जैसा बाण में से छूटता है, वैसा वो छूटती है ऐसा गरबा खेलने के लिए। उसके बाद तेरे आसपास कौन है क्या है कुछ पता नहीं होता है तुझे। हाँ वो तो है, माता जी की कृपा है। बोलो
इसलिए तू मेहरबानी करके मेरे लिए खुद मत लाना, मेरा कपड़ा मैं खुद लेके आऊंगा। अरे पापा, पिछले साल तो मम्मी बराबर ही कपड़े लाई थी, आप ही जल्दी जल्दी में मेरे कपड़े पहन के चले गए थे। अच्छा हाँ, तो फिर अभी भाई तू ही लेके आना मेरे कपड़े। ठीक है, चलो। अरे जाते जाते जरा कैरी बहन को बोल देना कि नाश्ते के लिए आ जाए। ठीक है। अरे सुनिए, आज नवरात्रि का पहला दिन है तो जल्दी आ जाना। ये भी कोई कहने की बात है दया? आज क्या, आज से 9 का 9 दिन जल्दी आ जाऊंगा। अरे नवरात्रि का तो पूरा साल से हम इंतजार करते हैं। अच्छा तो मजा आ जाएगा। आज रात का आलो न रमवाने घर पे घूमवाने मोड़ी पर छो जवर भाई। क्या रे क्या रे क्या रे क्या रे क्या रे? Yes, Prince Jay. अरे अरे ये क्या, तुम इधर मैं तुमको उधर बूम पाल रहा था। लेकिन ये क्या, ये पत्रकार पोपटलाल के साथ क्या घूम के आ रही है? क्या जेठालाल, मैं कैरी को इंग्लिश ब्रेकफास्ट करवाने बाहर ले गया था। तो कैरी ने कहा इंग्लिश ब्रेकफास्ट तो मैं वहाँ रोज करती हूँ, मुझे कुछ भारतीय टेस्ट करना है। तो हम लोग अभी अभी जलेबी फाफड़ा खाकर आ रहे हैं। कैरी कैसे थे जलेबी फाफड़ा? बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। अरे मैं रविवार को उसके लिए जलेबी फाफड़ा लाने वाला था, तुमने आज ही खिला दिया। भाई ऐसा कहाँ लिखा है कि जलेबी फाफड़ा सिर्फ रविवार को खा सकते हैं? ऐसा नहीं लिखा है, लेकिन रविवार को जरा ज्यादा मजा आता है। वाह दया, तुम्हारी राय देख रही है घर पे कि कैरी अभी आएगी नाश्ते के लिए, अभी आएगी और तुम बाहर चले गए। आई एम सो सॉरी मिस्टर पोपट भाई, मुझे कैरी पोपट भाई नहीं, पोपट लाल, पत्रकार पोपटलाल, यू कैन कॉल मी पीपी। पीपी मिस्टर पीपी ने मुझे रिक्वेस्ट की तो मैं इनके साथ ब्रेकफास्ट के लिए चलेगी। आई एम सो सॉरी। अरे नहीं नहीं सॉरी मत बोला। अरे भाई तुम इधर इंडिया में मजा करने आई हो तो मजा करो, एंजॉय। फिर लंच के लिए तो घर पे पहुंच जाना है। पहुंचा दूंगा। कितने बजे आना है? उसको एड्रेस मालूम है, वो अपने आप पहुंच जाएगी। तुमको काम पे नहीं पहुंचना? पहुंचना है ना, 11 बजे पहुंचना है। अभी 11:30 हो रहा है। क्या 11:30? बातों ही बातों में टाइम का पता ही नहीं चला। मुझे बहुत कुछ बताना है लेकिन आई एम गेटिंग लेट फॉर वर्क। कैरी बाय बाय, सी यू सून। बाय पीपी स्वीट मैन। ओ पीपी नहीं है, पी है। मतलब पत्रकार पोपटलाल पकाओ। पकाओ पकाओ पकाओ। ओ छोड़ा ना, कुछ काम हो तो दया घर पे ही है, ठीक है? ओके ठीक है। ओके कैरी चलो। ओके बाय। ओके बबीता जी, but that's okay na, there was this problem. Babita ji, ek minute ha, aram se aram se. yeah I know there was this problem. हाय जेठा जी। बबीता जी कैसे हुआ? मैं
हाय गोली, हाउ आर यू? हाय। हाय, मैं मर जाऊं। चलो मैं निकलता हूँ। अरे नहीं नहीं अंकल, मैं निकलता हूँ, रिलैक्स। अभी बोलिए बबीता जी। बबीता चलो। सी यू देन या? क्या यार भाई, ठीक है थोड़ा जल्दी है। बाय बाय, सी या। मुझे देख के जल्दी है, सब समझता हूँ मैं। जो केरी आई क्यों नहीं है? अरे टोपू के पापा। हाँ फिर क्या हुआ, कहाँ है केरी बेन? अरे हाँ, अरे अरे वो पॉपर लैंड के साथ बाहर नाश्ता करके आई। हाँ तो अभी ये नाश्ता तू खा ले। अरे लेकिन मैंने तो नाश्ता कर लिया है। अभी कोई बात नहीं, एक बार और नाश्ता कर लूंगी, उसमें क्या। जय जिनेंद्र। हाँ जय जिनेंद्र। आप लंदन जाकर थोड़े मोटे हो गए। मेरी बात छोड़ भाई, तू अपनी बात कर, तू अचानक कैसे आ गया? नवरात्रि मनाने आया ना? नहीं पांडे, नवरात्रि तो मुझे अहमदाबाद में ही मनानी है। आज मुझे मुंबई में थोड़ा काम था तो मैं आ गया। अभी दोपहर 2 बजे की फ्लाइट लेकर मैं वापस चला जाऊंगा। अभी 2 बजे की फ्लाइट से वापस जा रहे? ले बोल दे, ऐसा थोड़ी होता है। अरे तू आया तो थोड़ा रुकना तो चाहिए ना बहना के घर पे। ठीक है आप कहते हैं तो रुक जाता हूँ। अरे मैं मजाक कर रहा हूँ जीजा जी। मतलब क्या मजाक क्या कर रहा है, रुक रहा है वो कि जा रहा है वो? रुक रहा हूँ वो, मजाक कर रहा हूँ। अरे मुझे 1 बजे तो एयरपोर्ट पहुँचना है जीजा जी। ये क्या वीरा, फिर तुम क्या आए और क्या गए? माय डियर बेना, मैं क्या करूँ, मेरा काम ही ऐसा है। सुबह से फ्लाइट पकड़ के मैं एयरपोर्ट आया, एयरपोर्ट से सीधा मैं वालकेश्वर गया, वालकेश्वर से सीधा मैं यहाँ आया। बोल। चलो तुम दोनों भाई बहन बात करो, मैं दुकान जाता हूँ। जीजा जी फिर ये टैक्सी लेकर आप चले जाओ ना। हाँ क्यों? अरे उसमें क्या है, वो आपकी दुकान के पास में है ना, किशोर भाई कारिया की दुकान, उनकी सास है ना जो अहमदाबाद में रहती है लीला मौसी, उन्होंने 10 पैकेट वेफर के भेजे, वो आपको ले जाने। सुंदर आए और मुझे चूना ना लगे, यह कैसे हो सकता है? इस टैक्सी में पूरा मुंबई घुमा, अभी दुकान पहुंच के पूरा भाड़ा मुझे देना पड़ेगा। अरे इसमें सोचना क्या, देखिए दूसरों का सामान पहुंचाना वो तो समाज सेवा का काम है। मेरे वीरा ने अहमदाबाद से यहाँ तक समाज सेवा की, तो आप यहाँ से दुकान तक समाज सेवा नहीं कर सकते? बेना 1 मिनट। ये लो बेना, 3 पैकेट वेफर के रख लो तुम। अरे वीरा इसकी क्या जरूरत थी? अरे नहीं नहीं बेना तुम रख लो, ये लीला मौसी है ना बढ़िया वेफर बनाती है, तुम खाओगी ना तो मुझे याद करोगे। अरे रख लो रख लो। थैंक यू। अरे क्या थैंक यू, ओ किशोर भाई की सास ने उसके लिए 10 पैकेट मंगवाए है ना, उसमें से उसको बिना पूछे 3 पैकेट रख लिए, वो तो मांगेगा ना कि भाई बाकी के 3 किधर है? अरे उसको तो मुफ्त में ही आए है ना। अरे वो नहीं मांगेगा जीजा जी, और अगर मांगे ना तो 3 पैकेट का रोकड़ा दे देना। बोलो चलो। तो दे दीजिए ना।
चलो मैं जा रहा हूँ। अच्छा जी दादी, चलो मिलते हैं। चलो चलो चलो, तेरा वजन बहुत बढ़ गया है। बाबूजी कहाँ गए? बाबूजी तो अम्बा जी दर्शन के लिए गए हैं। अबे वाह, बोलो अम्बे माता की जय। उन्होंने अच्छा किया। अरे वीरा, तुम यहाँ मुंबई आने वाले थे तो मुझे फोन करके बताना चाहिए था ना, मुझे अहमदाबाद से चनिया चोली मंगवानी थी। ए माय डियर बेना, खुद मुझे सुबह में 5 बजे पता चला कि मुझे मुंबई आना है। हा? मैं उठा और सीधा एयरपोर्ट गया, वहाँ से फ्लाइट पकड़ के सीधा यहाँ आ रहा हूँ। देखना बेना, अभी तो 1-2 घंटे में फ्लाइट मिलती है ना, बाद में तो फटाफट फ्लाइट मिलने लगेगी। ओहो, अरे हमारे रिक्शा वालों की तरह फ्लाइट वाले हमको बुलाएंगे। ये एयरपोर्ट वाले है ना, वो चिल्लाएंगे, आओ आओ भाई हमारी फ्लाइट में आ जाओ। अरे हमारी फ्लाइट में आपको उदिया और जलेबी नाश्ते में देंगे। ए आओ भाई, साथ में ठंडी ठंडी छाछ भी आपको देंगे। अरे अरे मेरे नटखट वीरा, अब ये सब मजाक बंद करो। मुझे ये बताओ कि माँ क्या कर रही है? बेना, माँ तो जामनगर वाली प्रवीणा काकी के वहाँ गई हुई है। क्यों? प्रेमिला काकी सीढ़ी से नीचे उतर रही थी, उनका पैर फिसल गया और उनके पैर को फ्रैक्चर हो गया। अभी वो घर पे अकेली है तो माँ उनकी देखभाल के लिए गई है। बिचारी प्रेमिला काकी, भगवान उनको जल्दी से अच्छा कर दे। वीरा टप्पू, तुम दोनों मामा भांजे हैं, खेलो मजा करो, तब तक मैं वीरा तुम्हारे लिए गर्मा गर्म चाय बना के लाती हूँ। भाभी, एक पार्टी शुगर मिलेगी, मुझे चाय बनानी है। अरे केरी बहन, एक पार्टी शक्कर क्या, एक कप चाय भी मिलेगी, क्यों? अरे हाँ, अब पहले इनसे मिलिए। ये है मेरा वीरा। सुंदर टोपी पाज। ये सुंदर लाल टोपी बाज आपको किसने बताया? जेठाबाई ने। वो कह रहे थे कि सुंदर इधर की टोपी उधर घुमाता है। आपका टोपी का बिजनेस है ना? लगता है माय डियर जीजाजी पर बड़ी टोपी घुमानी पड़ेगी। वीरा, ये लंदन से आई है, टप्पू के पापा की मुंह बोली बहन। अच्छा अच्छा, केरी। अरे वाह, कैसी हो मिस मैंगो? मैंगो? अरे केरी फई, गुजराती में मैंगो का मतलब केरी होता है। अरे अच्छा केरी बहन, आप लोग बैठिए, तब तक आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। बनाओ बनाओ बना। Tell me, तुमने टोपी घुमाने का बिजनेस कब से स्टार्ट किया? बचपन से। अरे आप मेरी बात छोड़ो ना, अभी नवरात्रि शुरू हो रही है, आपने गरबा बरबा सीखा के नहीं है? अरे नवरात्रि में तो मैं क्यों मचाऊंगी। वाह बेना वाह, क्या चाय बनाई है। क्यों मिस मैंगो? हाँ मिस्टर हैंडसम। मुझे हैंडसम कहा? मामा, इंग्लिश में सुंदर को हैंडसम कहते हैं। और बताओ मिस मैंगो, नवरात्रि की शॉपिंग वॉपिंग की क्या? नहीं, आज डाय भाभी के साथ चनिया छोले लेने जाने वाले हैं। हाँ, मैं भी इसी सिलसिले में आप सबसे बात करने आई हूँ। कैसे हो सुंदर भाई? बहुत मजे में अंजलि भाभी, आप कैसे हो? मजा माँ। अंजलि भाभी आइए आइए, चाय नाश्ता करने के लिए बैठ जाइए। दया भाभी, चाय नाश्ता बाद में करेंगे, पहले आप मुझे ये बताओ कि हम चनिया छोले की शॉपिंग करने कब जा रहे हैं? बस ये मेरा वीरा दोपहर को खाना खा के प्लान से अहमदाबाद जाएगा ना, फिर हम शॉपिंग करने के लिए जाएंगे। ठीक है। ए बेना, नवरात्रि के लिए जो भी डांडिया खरीदना है, चनिया चोली लेनी है, मोजड़ी लेनी है, वो सब अहमदाबाद से ही ले लो ना। अरे सुंदर भाई, ये कैसे हो सकता है? हम लोग एक ही दिन में मुंबई से अहमदाबाद जाके शॉपिंग करके अहमदाबाद से मुंबई कैसे वापस आ सकते हैं? अरे क्या अंजलि भाभी, आप क्या बात करती हो, अभी दोपहर की फ्लाइट से हम अहमदाबाद चले जाएंगे, वहाँ जाके आप 4 घंटे शॉपिंग करो और शाम की फ्लाइट पकड़ के हम मुंबई आ जाएंगे। अरे 9 बजे तो आप घर में टच हो जाओगे, फिर अहमदाबाद की नई चनिया चोली पहन के मस्ती से गरबा खेलो। चलो चलो। 1 मिनट, हम मुंबई से अहमदाबाद प्लेन का खर्चा करके शॉपिंग करने जाएंगे, फिर अहमदाबाद से मुंबई प्लेन का खर्चा करके मुंबई आएंगे, इतने खर्चे में तो हम मुंबई से 3-4 जोड़ चनिया चोली खरीद सकते हैं। दया भाभी समझो, पर अहमदाबाद जैसी वैरायटी नहीं मिलेगी ना। आप खर्चे की चिंता मत करो, आपकी प्लेन की टिकट फ्री में हो जाएगी बस।
वो कैसे? सुनो, तू भी साथ में चल। नहीं मामा, यहाँ पर नवरात्रि की टप्पू सेना को तैयारी करनी है। वाह वीरप्पा, अजनी भाभी अब तो अहमदाबाद प्लान से जाके आने में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? दया भाभी, उसमें भी एक छोटी सी प्रॉब्लम है। मेरी लता आंटी नहीं है? हाँ। उनकी तबीयत खराब हो गई है, तो मुझे उनको 4 बजे शाम को हॉस्पिटल लेके जाना है, तो अहमदाबाद तो मैं नहीं आ पाऊंगी। पर कोई बात नहीं, आप और कैरी सुंदर भाई के साथ जाओ और अच्छे से चनिया चोली शॉपिंग करके आओ, और मेरे लिए आपकी चॉइस का चनिया चोली लाना। ठीक है? ठीक है बाबा, ठीक है। चलो तो मैं कोमल भाभी, भीड़े बहन, रोशन भाभी, बबीता जी सबको बुलाती हूँ और उनको पूछती हूँ कि उनको कैसी चनिया चोली चाहिए। गुड आइडिया। मामा चलो, तब तक पापा जो मेरे लिए लंदन से किड्स लैपटॉप लाए वो दिखाता हूँ। चलो चलो, तुम पर एक तो गेम भी खेल लेते। चलो चलो, चलिए हम भी सभी औरतों को बुलाते हैं। चलो चलो चलो, अब मैं सब कीजिए। आइया भाई। वाह, ये सुंदरलाल तो कमाल का ही आदमी है। अब देखिए ना, गोकुलधाम की महिलाओं को क्या आइडिया दिया कि बस यूं अहमदाबाद जाना यूं आसान कर दिया, इम्पॉसिबल को इसने पॉसिबल बना दिया। लेकिन सुंदरलाल का जो भूतकाल है उस पर अगर मैं निगाह डालूं तो मुझे लगता है कि अब जेठालाल का भविष्य, अगर ये सब औरतों को लेके गया तो पता नहीं क्या होगा। लेकिन कुछ भी हो, नवरात्रि शुरू होने वाली है और हम दोनों जगह कैमरा लेके पहुंचेंगे नवरात्रि में। अरे दोनों जगह मतलब गोकुलधाम सोसाइटी भी और अहमदाबाद भी, और आपको नवरात्रि के वो रंग दिखाएंगे कि आप हमेशा याद रखेंगे। देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अगर आपको सबसे पहले तारक मेहता का उल्टा चश्मा का अपडेट चाहिए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना।